अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खड़े मसाले का कीमा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, 1.5 किलो मटन का कीमा लिया था मैंने, आप चाहें तो 20 भी ले सकते हैं। ये 3 बड़ी बड़ी दरमियानी प्याज थी जिनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। 1 कप जाएगा इसके अंदर दही, ठीक है, और ये जाएगा लहसुन, 1.5 टेबल स्पून जाएगा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से खंडड़ी में कूटा था, हवन दस्ते में, आपको बारीक नहीं पीसना है। 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, और आखिरी में हरा धनिया, हरी मिर्च जाएंगी, और इसके अंदर जाएंगे खड़े गरम मसाले जिसके अंदर है दालचीनी, तेज़पत्ता, ठीक है, 1 टेबल स्पून है जीरा, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, और यह है जवा मिर्चें, ठीक है, ये देखें, ठीक है, 2.5 कप के करीब इसमें तेल जाएगा, ठीक है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें 2 कप ऑयल डाल दिया है, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये सुनहरी हो जाए। ये देखें, तो मैंने जब प्याज डाली थी इसमें तो कितनी सी हो गई है, वो देखने में ज्यादा लग रही थी, लेकिन 1.5 किलो के हिसाब से बिल्कुल सही ली थी मैंने प्याज। ये देखें, अब इसमें शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले। ये जाएगा तेज पत्ता, ये जाएंगी 6 से 7 जवा लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी इलायची। मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उड़ा लीजिएगा, हम मिर्चें कम खाते हैं। इसको मजीद फ्राई करेंगे। ये देखें, प्याज हल्की हल्की सी तुरकी पर आ रही है। अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर ये लहसुन, इसको मैंने हवन दस्ते में कूट लिया था। इसको भी हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन, प्याज, मिर्चें सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जाएगा ये कीमा। इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक के ये सफेद ना हो जाए। जवा मिर्च की जगह छोटी भी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी वरना बच्चों को बहुत ज्यादा लगती है मिर्चें, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, ठीक है। अब इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, फिर दही डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे, और ये 20 मिनट के अंदर गल जाएगा। ये देखें, जो प्याज डाली थी वो बिल्कुल सारी बुचके इसके अंदर मिक्स हो गई है, पता ही नहीं चल रहा, वो दिखने में ज्यादा लग रही थी प्याज, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। ये देखें, सारा कीमा सफेद हो गया है और इसके ऊपर ऑयल आ गया है, ठीक है। अब मैं शामिल करूंगी इसमें 1 कप जो मैंने दही फेंट के रखा था। ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव दही है, ठीक है, जो इसके अंदर जाएगा। अब शामिल करूंगी इसमें 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे, जब तक प्याज भी बिल्कुल बुझ जाएगी, गल जाएगी, और कीमा भी गल जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, अब ये जा रहा है दम पे। मिनट हो गए हैं। अब जो लाल वाली मिर्ची थी मैं इसको इस तरीके से कूट रही हूँ, ठीक है। अभी हल्का हल्का सा पानी है इसमें, और इसको इस तरीके से कूटने के बाद मैं दोबारा 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी और फिर भुनाई करूंगी। ये देखें, ये देखें, जैसे ही मैंने लाल मिर्चें जो थी, जवा मिर्चें तोड़ के इस
को दम पे रखा था, मिर्चों ने अपना रंग छोड़ा है और ये कैसा, ये देखें हो गया ना हल्का हल्का रेड सा ब्राउन सा। आप चाहे तो इसके अंदर एक टीस्पून देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको रेड कलर पसंद है, लेकिन मैं इसको ऐसा ही रखूंगी। और अब मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई और इसमें डालूंगी अदरक, ठीक है, और अब इसको भूनते हैं जब तक ये देखें ये बिल्कुल भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें, ठीक है, ये देखें इसका कलर देखें कितना जबरदस्त आया। आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली, मैंने इसी मिर्च को तोड़ लिया था, ये हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बना है। और अब इसमें जाएगा ये हरा धनिया, अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया, ये देखें इनके आए लजीज हमारा खड़े मसाले का मटन कीमा तैयार है। इसको नान के साथ खाएं, बहुत मजे का बनता है। अब ये रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें इंतहाई लजीज हमारे खड़े मसाले का कीमा तैयार है। आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। अगर ये एक रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से नमक मिर्च बढ़ा लीजिएगा। इसको आप जो है नान के साथ खाएं, बहुत मजे के लगते हैं। प्याज के लच्छे रखें इसके साथ, बहुत मजे के बनते हैं, बहुत कम मसालों से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा, अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।